जनता आज हर जगह त्रस्त है और नेता मस्त है। हर एक व्यक्ति को उसकी जरूरत की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए ग्राम पंचायत काम करती है। लेकिन हर व्यक्ति को समस्या हो जाए, सभी व्यक्ति समस्या से ग्रसित हो जाए, किसी को लाभ न मिले, केवल सरपंच, सेक्रेटरी, रोजगार सहायक और बड़े बाबुओं को मोटी रकम मिले, ग्राम पंचायत में ऐसी व्यवस्थाएं होने लगी हैं अब, जिसमें सरपंच, सेक्रेटरी, रोजगार सहायक से लेकर जनपद सीईओ तक की भूमिका दिखाई देती है। नाला खुदवा दिया जाता है, जनता उसमें गिर के मरती है, मजदूर के नाम से पैसा निकाल लिया जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति के नाम से पैसा निकाला जाता है, मजदूरी में उसका नाम लिखा जाता है, उसको खुद ही नहीं पता होता कि वह काम किया है कि नहीं किया है। और ऐसी भर्रेशाही चल रही है मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के गोद लिए हुए गांव करहिया नंबर एक में। आपको बता दें कि करहिया नंबर एक में जब ग्राम पंचायत में सभा हुई तो जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां ग्रामीणों ने लगभग 46 लाख रुपए की घोटाले की पोल खोल दी, जिस पर सरपंच और सेक्रेटरी कुछ भी नहीं बोल पाए। जब सरपंच रेखा रावत और सेक्रेटरी राम या साकेत से बात की गई तो वह गोलमोल जवाब दिए और यह बताया कि काम चालू है, और काम किस तरह से चालू है वह तो आप जनता की जुबानी सुनेंगे ही। जरा विचार कीजिए कि जब डिप्टी सीएम के गोद लिए हुए गांव में ऐसे भ्रष्टाचार की जड़ें हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे रीवा जिले में क्या हालात होंगे। सरपंच रेखा रावत और सेक्रेटरी राम या साकेत से जब बात की गई तो सेक्रेटरी द्वारा गोल बोल जवाब दिया गया, जबकि महिला सरपंच अपना परिचय देते हुए मीडिया से बताया कि उन्हें माइक और कैमरा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए सरपंच साहब का शायद जनता के ऊपर भी कोई रत्ती भर का इंटरेस्ट नहीं है। पहले आप सुनिए आम जनता ने क्या आरोप लगाया है, किस तरह से बताया कि पैसा निकाल लिया गया है, काम नहीं करवाया गया, नाला खोद दिया गया है, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। उसके बाद आपको सुनाएंगे ऐसे मजदूर की कहानी जो नाबालिग है, फिर भी उसके नाम से पैसा निकाल लिया गया, लेकिन उसको पता भी नहीं है कि पैसा निकाला गया, कि वह काम करने गया कि नहीं। पहले आप सुनिए ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए क्या पोल खोली है। क्या नाम है आपका? राम कुमार कुशवाहा। क्या समस्या आपकी? नाली करिया पर खोदी हमारे द्वारा में, जैसी भी से आज तक बनवाई नहीं गया, पैसा निकला हुआ मत से। आपकी नाली का पैसा निकल चुका है? हाँ, निकल चुका है वो। मत कागज कहाँ है? कागज ये है, बोल रहे कि मनरेगा वाले खा लिए पैसा, मनरेगा वाले निकाल लिए। क्या बोल रहे सरपंच? कहते हैं हो गया, काम चालू होगा। काम चालू होगा, 3 महीने बाद मनरेगा वाले पैसा इनका जो है तो निकाल लेते हैं। 2 साल पहले निकल गया। और 2 साल पहले 2024 में जो है प्रमोद कुशवाहा, रोड में घर भी लोग बना लेते हैं। समस्या यह है कि रोड और नाली के पैसा निकल गया है, और रोड नाली बनी नहीं है। नहीं बनी? हाँ, पैसा निकल गया है। किसके द्वारा निकला? सरपंच और सेक्रेटरी और यहाँ आशा कार्यकर्ता जो रहा के नाम से बटावट है। पैसा निकल गया। काम नहीं हुआ कहीं? काम कुछ भी नहीं हुआ, एक गंदाइला कौले उखाड़ी। पुलिया कहाँ बनी है? पुलिया कहाँ नहीं बनी है, पैसा निकल गया है। सड़क नाली कहाँ या इमली चौराहा से लेके हमारे घर तक, प्रमोद कुशवाहा के घर तक, फिर प्रमोद कुशवाहा के घर से गया के घर तक, दोनों पार के बना नहीं है कुछ। बना कहाँ नहीं आए, टेको गंदाइला तक नहीं उखाड़ी थी, बना में कौन पार्टी नहीं। पैसा निकाल लिए। सेक्रेटरी का हम नाम नहीं जाने जा रहे। हम राम या साकेत? सरपंच रेखा रावत। सेक्रेटरी राम या साकेत। ये इरशाद खान कौन है? जिला पंचायत के वह ठेकेदार है, कर्मचारी हैं, हम तो जानते नहीं। तो सर का पैसा उनके मग में जाता है? हाँ, उसके मग में जाता है। उसके बाद ये सब गोलमोल होता है? हाँ, गोलमोल होता। तो अभी तक सड़क वड़क आपकी कुछ नहीं बनी? कुछ नहीं बना। नाली ना सड़क कुछ नहीं बना। और यहाँ सब पास हो गया? यहाँ सब पास है, कागजों में सब फाइल एकदम ओके है। कौन सा ये ग्राम पंचायत है? करहिया नंबर एक। हाँ, गोद लिए हैं? हाँ, सब गोदे वाले तो निकलवाते हैं। यहाँ ना नाली है ना रोड है। कौन नेता गोद लिए हैं? गोद राजेंद्र शुक्ला लिए हैं। सांसद जी भी लिए? हाँ, निर्मल ग्राम और हाँ। निर्मल घोषित किए हैं। निर्मल के अलावा इसके पहले और कोई ग्राम था? राजेंद्र शुक्ला तो ऐसे काम कर देते, तहसीलदार से पट्टे कटवा देते गांव गवाही। क्या नाम है आपका? उमेश सिंह।
समस्या क्या है? समस्या है चौराहा से प्रमोद कुशवाहा जी के घर तक दोनों साइड नाला खना हुआ है। यहाँ पंचायत से सरपंच साहब, सिक्योरिटी साहब, जो भी मतलब हैं हमारे, तो इन लोग ये बोल रहे हैं कि 3 महीना बाद रोड बनेगी। अभी तक रोड आप बोल रहे थे कि बन चुकी है रोड, ये हाँ पैसा निकल गया, पैसा निकल गया, ये भी नाली का पैसा पूरा निकल चुका हुआ है। नाली नहीं बनी, नाली आज तक नहीं बनी हुई है। पैसा कब निकला? पैसा 2024 में निकल गया पूरा सबका। और जो भी आदमी काम नहीं कर रहा है उनका भी पैसा 3000 निकलता है, निकालने वाला 2500 लेता है, और मतलब जो करता है जिनका नाम है उनको 500 दिया जाता है। पट्टा ही कटवा देते हैं राजेंद्र शुक्ला जी और उनके उनके पीए। हम खुद कई बार पेशी में जाते रहे तो उनको देखे वहाँ जाते अंदर, अब मेरा पट्टा कट गया। मैं आज 60 साल का हूँ, मेरे से 40 साल का पट्टा मेरे नाम था अब राजो महाराजों के ज़माने से, जो कट गया। रोड पे घर बनवा देते हैं ये, अब कौन कटवा दिया? तहसीलदार कटवाया, तहसीलदार के तहसीलदार गवाही लेके पट्टा काट देता है, उसमें किसी की पहुँच रहती तब न काट देता है। वो राजेंद्र शुक्ल के पिए जाते हैं, राजेंद्र शुक्ला के पिए, हाँ जो वहाँ के हैं, क्या बोलते हैं, रोड राजेश पांडे, घर बनवा देते हैं। आपकी जमीन कट गई, कितनी जमीन थी आपकी? हमारी 7 एकड़ जमीन कट गई, ऐसे थोड़ा थोड़ा कर करके 7 एकड़ जमीन कट गई करहिया की। क्या नाम है आपका? हमारा नारायण नामदेव नाम है, करहिया के है। अब आपको सुनाते हैं एक ऐसे लड़के की जुबानी जिसके द्वारा बताया गया कि वह काम करने गया ही नहीं, यहां तक उसका खाता भी नहीं खुला है, फिर भी उसके नाम से लगभग 2800 रुपए के लगभग पैसा निकाल लिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अभी आपने ग्रामीणों की सुनी होगी कि काम नहीं कराया गया, सड़क नाली नहीं बनाई गई, उसके बावजूद भी पैसा निकाल लिया गया। आप सुनिए नाबालिग लड़के की जुबानी कि उसके साथ ग्राम पंचायत में कैसा फर्जीवाड़ा किया गया है, उसके नाम से किस तरह से फर्जी रकम निकाली गई है। आपका नागिन कुमार वर्मा, ये क्या लिस्ट में नाम, किनका नाम है, क्या कैसा? ये लिस्ट में अमर माझी का नाम है, जो ये तो अभी नाबालिग हैं फिर भी इनका नाम लिस्ट में दिया हुआ है। इनके खाते में 2873 रुपए निकला हुआ है, ये मजदूरी किए हुए हैं। ये आपके नाम से भी पैसा निकला हुआ है, क्या कहना आपका? मेरा तो खाता बंद है तो मेरे को क्या पता निकला है कि नहीं निकला है। आपका क्या नाम है पूरा? अमर माझी। ये कर रही है कि निवासी? हाँ। और आपके नाम से पैसा आपका नाम चढ़ा हुआ है तो आपके मैं... परिवार में कई लोगों का नाम चढ़ा है तो मेरे को पता नहीं है ना। आपके परिवार में कोई काम करता है? नहीं, कोई नहीं करते हैं। कई लोगों का नाम आपके परिवार के, परिवार में कितने लोगों का है? मीरा माझी है। मीरा आपके परिवार की? हाँ। चंद्रवती माझी। चंद्रवती कौन है? मम्मी। मम्मी है, वो भी नहीं करती काम? नहीं। विजय माझी। विजय कौन है? विजय मालूम नहीं, मालूम। ये सब फर्जी चल रहा है यहाँ कर रही है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे, नाली सड़क बनी नहीं और पैसा निकल रहा है, क्या बात है? नाली सड़क जितना पैसा इसमें निकला इसका 1% भी करहिया गांव के अंदर काम नहीं हुआ है, ना ही नाली का काम हुआ है ना ही सड़क का काम हुआ है। हमारे यहाँ सड़क के दोनों तरफ नाली निर्माण के लिए पैसा है लेकिन 1% भी उसका काम नहीं हुआ। पैसा निकला है 45 लाख रुपये निकला हुआ है खाते से पैसा। मजदूरी कितनी निकली हुई है? मजदूरी लगभग 5.5 लाख रुपये निकली है। और मटेरियल कितना? मटेरियल का 40 लाख रुपये निकला हुआ है। मटेरियल कहीं नहीं है? मटेरियल एक टाली गिट्टी पड़ी हुई है, बस हो गया, उसके अलावा कहीं नहीं गिरा हुआ है। नाली कहीं बनी? कहीं भी नाली नहीं बनी, खुदी भी नहीं है। और खुदी भी नहीं है हमारे इधर तो, एक तो गंधेला तक कोई नहीं उखाड़े हुए हैं, और जबकि नाली दोनों तरफ बनना है सड़क की, इस प्लाट भी उस प्लाट भी। इसमें लिस्ट में कुछ ऐसे लोगों का नाम है, कौन कौन लोग है जो इसमें? सबसे पहले तो बिहारी लाल सेन है जो करहिया गांव के उप सरपंच हैं, उनका भी नाम लिखा हुआ है। हाँ, उनका भी नाम लिखा हुआ है, मजदूरी किए हुए हैं वो, लेकिन उनकी पेमेंट नहीं हुई है आज, जबकि वो मजदूरी करने की हालत में नहीं, फिर भी उनका नाम डला हुआ है। और बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो उनको हम तो कभी घर से निकलते नहीं देखें, फिर भी लिस्ट में उनका नाम लिखा हुआ है कि ये मजदूरी करने गए हैं। ये जो चाय वाले, समोसा वाले, इनका भी नाम है? इनका भी नाम डला हुआ है। क्या नाम है? नागेंद्र साहू। उनका भी नाम डला हुआ है पूरे
पूरे साकेत बस्ती में आधे से अधिक लोगों का नाम डला हुआ है जो कि कभी हम काम करते नहीं देखे। पूरे माझी मोहल्ले में भी सभी का नाम डला हुआ है। उनका उप सरपंच का नाम बिहारी लाल से है। आगे आपको सुना रहे हैं करहिया ग्राम पंचायत नंबर 1 के उप सरपंच की जुबानी कि उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में बैठक होती है, सभाएं होती हैं, जब उन्हें बुलाया जाता है तो वह दस्तखत करके चले जाते हैं, उनको पूछा भी नहीं जाता किसी तरह से, किसी भी काम के लिए उन्हें नहीं बुलाया जाता है, ना ही उनसे सलाह ली जाती, ना ही मशवरा किया जाता है, किसी तरह से कोई जानकारी नहीं दी जाती है। आप भी सुनिए कि उप सरपंच ने क्या आरोप लगाया है, किस तरह से समस्याएं बताई है। हमारा नाम बिहारी लाल सेन है। आप यहाँ क्या है? हम उप सरपंच के रूप में माने जाते हैं। उप सरपंच यहाँ क्या समस्या है? यहाँ की समस्या पानी की है, नाली की है, रोड की है, बनता नहीं है, कुछ नहीं। हमको मालूम भी नहीं है कि कहाँ से क्या आता है, क्या जाता है, कभी हमको नहीं पूछा गया, ना कभी हमसे पैसा आ गया, निकल गया। हाँ तो वो भी हमको नहीं मालूम है, वो भी हमको मालूम नहीं है। मीटिंग जब होती है तो बुलाओ होता है तो आते हैं, मीटिंग में दस्तखत बनाकर चले जाते हैं, बाकी कोई हमको मालूम नहीं है। आपको सरपंच है, आपको नहीं मालूम, सरपंच को नहीं मालूम, पैसा गया कहाँ? अब ये हम कहाँ जाने, आप जानिए कहाँ गया। वो रिकॉर्ड बता रहा कितने एक घर के 25-25 लेबर मजदूरी कर रहे हैं, जिनका कि मतलब रोड में कहा थे कि भाई आज कमन चल रहा है, अब मजदूर लगे हुए हैं तो कहाँ आज कमन में मजदूरी कर रहे हैं कि कहाँ कर रहे हैं, वो अपना के पास रिकॉर्ड रखा है। सुना आपने किस तरह से करहिया ग्राम पंचायत में ना तो आम जनता की सुनी जाती, ना ही उप सरपंच की सुनी जाती। इसके बाद जब मीडिया द्वारा ग्राम पंचायत के सचिव राम या साकेत से बात की गई तो वह काम चालू होने की बात कहकर गोलमोल जवाब दिए, पसीना छूट रहा था जवाब देने में। जबकि सरपंच रेखा रावत से बात की गई, बात करनी चाहिए तो सरपंच ने सीधे ही मना कर दिया कि यह कैमरा माइक हटा लो, उन्हें कैमरे और माइक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पत्रकारों के सीधे तौर पर कहा कि जो छापना है छाप दो। अब जब इस तरह से ग्राम पंचायत में हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि जनता कितने खुशहाल होगी, जनता की कितनी सुनी जाती होगी। आप सुनिए सरपंच और सेक्रेटरी के तानाशाही भरे हुए बयान को। वासियों का कुछ आरोप लग रहा है कि पैसा निकल गया और काम नहीं हुआ, मामला क्या है? अभी अतिक्रमण हुआ है, अतिक्रमण में है, अतिक्रमण हटाने के लिए तहसीलदार साहब के यहाँ कार्यवाही के लिए दिया गया आवेदन। सवाल अतिक्रमण का नहीं है, सवाल ये नाली सड़क जो बन नालिया के लिए है सर, नाली में उसमें तो लिखा है रिकॉर्ड में कि बन चुकी, पैसा नहीं बन कहाँ चुकी है भैया, अभी शुरुआत है। पैसा स्वीकृत हो गया, निकल गया? अब स्वीकृत है ना, निकल भी गया? नहीं, अब पूरा पैसा थोड़ी निकला है, जब खुदाई हुई थी तब निकला था थोड़ा सा मस्टर रोल में। कितना वो बताई ना, 2 लाख 2.5 लाख, अब हमको ध्यान नहीं है। ये रिकॉर्ड तो सामने रखा है आपके। हाँ,
कितना निकला हुआ लगभग? ये मुझे नहीं है जानकारी। आपको जानकारी नहीं है, सरपंच को जानकारी नहीं, सेक्रेटरी को जानकारी नहीं है, ये बताएगा कौन? ये बताएंगे ना जो आप उनको लेके आए। वो तो रिकॉर्ड लिए हैं। हाँ तो हो गया, तो रिकॉर्ड मिल गया ना आपको? वही निवेदन कर रहा हूँ मैं आपसे कि आपको तो अब रिकॉर्ड मिल गया, तो फिर अब बोलने की जरूरत ही क्या है? आपकी तरफ से जो आपका तो मैंने बोल तो दिया जो कहना था आपको, मतलब जितना काम जी, निकला। जी बाकी और अभी काम होना बाकी है। जी जी जी, हम अतिक्रमण की कार्यवाही हटाने की तहसीलदार साहब को दिए हैं लेटर, सरपंच साहब अभी परसों लेके गए थे, कई बार दिया गया। तो ये अभी काम चालू है? हाँ चालू काम हो रहा है, एक तरफ से चालू है ना काम। जाके देख लीजिए आप, वो सच्चा नगर में सूखा महुआ के पेड़ से नाली बनना शुरू हो गया है। वो करहिये गांव है, दूसरा गांव थोड़ी है। वो सब उसी में से चल रहा है काम एक तरफ से। वहाँ अतिक्रमण है, अतिक्रमण है जहाँ की बात आप कर रहे हो। तो वहाँ पैसा तो निकल गया? अरे पैसा पूरा नहीं निकला, जब काम शुरू किए थे तब पैसा निकला था। काम शुरू कहाँ पे दिखा दिया? कहने का मतलब कितनी बार नाली खुदवाई गई है? अतिक्रमण है। मेरा कहना ये है सर के सेक्रेटरी साहब हमारे ये कह रहे हैं कि उस रोड में अतिक्रमण है। ठीक है, अतिक्रमण है तो ये पैसा कैसे निकल गया? अरे भाई आज तक जब ना रोड नहीं बनी, नाली नहीं बना, तो ये पैसा कहाँ कहाँ से निकल गया, कैसे निकल गया? जब उसमें आज तक ना रोड बनी है, ना नाली बनी है, ना उसकी खुदाई हुई, ना कोई मटेरियल गिरा, तो ये पैसा निकला कैसे? जब उस रोड में काम ही नहीं लगा है और कागज़ में पूर्व बन चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ से लेके ऊपर तक सब भ्रष्ट कर्मचारी हैं। अब भ्रष्टाचार के उसमें आते हैं जिन्हें सबको सस्पेंड किया जाए। जैसे एक पिक्चर कोई बनी थी एक दिन का चीफ मिनिस्टर, वैसे ही हमारे श्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी चाहें तो ये सब कर सकते हैं। उन्हीं की कायादाता है यहाँ, और वो करहिया नंबर वन को गोद में लिए हैं। तो कैसा गोद में लिए हैं? यहाँ के पब्लिक गरीबन का लूटे का, यहाँ की पब्लिक परेशान रहे। जो नल जल योजना पानी की सप्लाई है, कहाँ सप्लाई? ये कागज में तो पूरी चल रही है। दो टंकी बनी है अभी, एक पीएचई में है हमारे श्रीमान सेक्रेटरी साहब जी बताए, सुरेश श्रीवास्तव के पास, और दूसरी जो चल रही थी ग्राम पंचायत में पूरी प्रक्रिया के साथ चल रही थी, वो कागज में अब चल रही है। पानी तो किसी को नहीं मिल रहा है, पानी तो आता ही नहीं है। आता चालू हुआ था, आज चला तो सिर्फ पाँच। इसके अध्यक्ष जो हैं पांच रोज में, सावित्री सिंह पटेल जी हैं, वो कहाँ की व्यवस्था? पाँच साल पहले हम भी सदस्य थे तब भरपूर करते थे, अब इस समय हम इस्तीफा दे चुके हैं सदस्य से, वो अध्यक्ष हैं। वो कहाँ तक पानी देती हैं, किसके यहाँ पानी देती हैं? ये ग्राम पंचायत पूरी हल्ला ही कर रही है। और शुक्ला जी तो हमारे मीठा पानी का घोषित कर गए थे, यहाँ तक गंदा पानी भी नहीं आ रहा है। मीठा पानी कहाँ से देंगे हमारे माननीय राजेंद्र शुक्ल जी? कल हमारे में मैसेज भी आ रहा था, बधाई हो बधाई हो। कैसी बधाई हो? मेरा नाम रमेश कुशवाहा। आम जनता उप सरपंच के द्वारा आपने खुद ही सुन लिया कि किस तरह से करहिया नंबर एक में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सबूत तब मिलता है जब सरपंच द्वारा ऐसी बात कही जाती है कि जो छापना है छाप दो, उन्हें माइक कैमरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मीडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जनपद पंचायत सीईओ पर भी कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे। विचार करिए कि जब जनपद पंचायत सीईओ ही भ्रष्ट हो तो ऐसे सरपंच और सचिव रोजगार सहायकों को तो पनाह मिलेगी ही। वैसे भी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का गोद लिया हुआ गांव है, तो यहां के सरपंच और सचिव के ऊपर शायद ही कुछ कार्रवाई हो। जनता को अपने हाल पर ही जीना पड़ेगा। उनकी सुनवाई हो सकता है शायद नहीं ही हो, क्योंकि ऐसे जब जिस तरह से बयान सामने आते हैं सरपंच के कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई जवाब नहीं दिया जाता। अब समझ में नहीं आता है कि उप मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत की जनता को गोद में लिया है कि यहाँ के सरपंच सेक्रेटरी रोजगार सहायक को भ्रष्टाचार करने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए गोद में लिया है, विशेष तौर से जनता को परेशान करने के लिए गोद लिया गया है क्या? जनपद पंचायत सीईओ के मिली भगत से यह सब चलता है। देखना दिलचस्प होगा कि ऐसे भ्रष्टाचार की जांच होती है जिसको जनता ने सीधे मीडिया के सामने खोला है। विराट 24 न्यूज के लिए रीवा से राजेश विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट।